पाली जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्र के गिरिग्राम में 66वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ और मुख्य अतिथि के लाखों रुपए की घोषणाओं के साथ संपन्न हुई। जय पद्मोदय जैन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित 66वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के पद पर बोलते हुए जयतारण विधायक अविनाश गहलोत ने बताया कि जीवन में खेल बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हमारे लिए खेल अनुशासन सिखाता है। हमारी संस्कृति और संस्कार खेलों के माध्यम से ही आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहला सुख निरोगी काया स्वस्थ रहना आवश्यक है। उन्होंने इस अवसर पर योग दिवस की याद दिलाई और गिरी विद्यालय में टिन शेड और विद्यालय की चार दीवारी बनाने की घोषणा की। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के चौथे दिवस में आज फाइनल में छात्र वर्ग में रामपुरा कला ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोल की मारवाड़ जंक्शन को हराकर विजय हासिल की। इसी प्रकार कल हुए छात्रा वर्ग में फाइनल मैच में हाजीवास विजय रहा। विजेता उपविजेता टीमों को पारितोषिक दिया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा उन्हें माला पहनाकर जीती हुई टीमों का अभिवादन किया गया। इस अवसर पर पीईओ नेमीचंद पवार, कमला चौहान प्रधान, प्रकाश मेहता समाजसेवी, भवलाल सोनी, जयतरण बहनाराम गहलोत, प्रेम जोशी सरपंच पिपलिया खोर सरपंच, देवेंद्र सिंह जोधा बूटीवास जिला परिषद सदस्य जयतरण, रतन सिंह भाटी सरपंच, गंगाराम माली पूर्व सरपंच, मदनलाल माली संयोजक चंद्र प्रकाश बागड़ी, जयवर सिंह प्रदीपाचार्य, तखतराज पुलवारी, जयराम पुलवारी, घनश्याम सिंह आड़िया, अशोक सोनी, नंदू जांगीड़, सत्तू भाई सेन, तेजाराम कुमाऊत, मोहनलाल सुतार, श्याम लक्षकार, बाबूलाल कुमाऊत व अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा विजय टीमों को बधाई देते हुए पाली जिले का राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी। संयोजक चंद्र प्रकाश बागड़ी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पाली जिले की 23 टीमें छात्र वर्ग में तथा 8 छात्र वर्ग में भाग लिया। 4 दिन तक चले इस टूर्नामेंट में भामाशाह के सहयोग से छात्र प्रतियोगिता के लिए माकूल व्यवस्था की गई। आज कड़े मुकाबले में छात्र वर्ग में रामपुरा कला ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोलकी को 3-0 से हरा कर सारी शिक्षकों की भूमिका इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण रही। इसमें पुखराज माली, रमजान अवधेश सिंह बजरंग सिंह, हनुमान सिंह, खेमाराम, देवाराम, मनोहर लाल, प्रतापगढ़, ताराचंद जाट आदि तारीख को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन बाबूलाल कुमाऊत और गेवर सिंह के द्वारा किया गया। हमारे जिला परिषद के सदस्य भाई देवेंद्र छाबा, सेंद्रा के सरपंच भाई रतन सिंह भाटी, बोटीवास सरपंच प्रतिनिधि भाई नैन सिंह जी, एनएसए के जिलाध्यक्ष भाई स्वामी चौधरी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष बैनाराम जी गहलोत और सीरी गांव के बहुत बड़े भावा साहब प्रकाश जी मेहता साहब, भामा साहब वरिष्ठ तोड़ला जी सैनी साहब, हमारे भावना के मंडल अध्यक्ष सरवर साहब आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, पार्षद प्रतिनिधि वेदी जोशी साहब, गंगाराम जी, श्यामलाल जी पंच, हमारे राजकीय महाविद्यालय के अध्यक्ष भाई गजेंद्र और हिरणा जी, दोनों हिरणा जी जूनियर सीनियर, हमारे पूर्व प्रधान आदरणीय निर्मला जी, भाई घनश्याम जी और हम सबके अति प्रिय श्याम जी नमस्कार और देवीचंद जी पूर्व सरपंच साहब भरत जी, सुधार साहब और प्रदीप जी यहाँ विराजे में सभी इस गिरी गांव के प्रबुद्ध स्टेज पे बिराजे हुए सभी अतिथिगण, बाबा साहब और प्यारे बच्चों
और इस विद्यालय परिवार के सभी अध्यापकगण, आज इस खेल की प्रतियोगिता में पहले तो हम माफी चाहेंगे, थोड़ी लेट हो गए, ये नन्हे मुन्ने बालक परेशान हो रहे थे, तो मेरे साथ के भी काफी कार्यक्रम थे और मैं भी यहाँ मोटेरा के कार्यक्रम में बैठ गई थी, इसके लिए मैं बहुत माफी चाहूंगी आप सभी से। और खेल को हमेशा खेल के तरीके से खेला जाए और आपने बहुत ही ईमानदारी से खेला होगा, क्योंकि हार जीत तो चलती रहती है, जो जीतता है उसकी चर्चा कम होती है, जो हारता है उसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। जैसे चुनाव देख लीजिए, एमएलए के चुनाव में आपने कभी ये चर्चा नहीं होगी साहब अविनाश जी के वोटों से कैसे जीत गए, कैसे ये हो गए, साहब वो कैसे हार गए, क्यों हार गए, कैसे हार गए, उसकी चर्चा हमेशा चलती है हारने वालों की। रही बात विकास की, पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अमेरे साहब को, कल आपने भर में भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल में अच्छा फंड दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इसी प्रकार ये विकास की बारिश दिल्ली में कर ले, उसके लिए मैं आपको एडवांस धन्यवाद दे दूं साहब, बाद में मिले, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पंचायत सभा जैसे किसी प्रकार का काम नहीं दे सकते हैं, तो मेयर एमएलए साहब एडवाइस कर लेंगे कि एमएलए साहब यहाँ दे दें, फिर उसके बाद में मुझे कौन सा काम देना है, और जो भी आज घोषणा एमएलए साहब करेंगे उनको अग्रिम बधाई के लिए आप पहले तालियां बजा लेना। इसी के साथ ही धन्यवाद।